हमारी मेहनत, लगन और जज्बे को आपका सलाम मिल रहा है। हम हैं द पंचारा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। कन्नौज में 8 वर्षीय बालिका को घर में बंद कर अश्लील हरकतें करने के मामले में एडीजे विशेष पॉस्को एक्ट कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई है। अपर जिला शासक अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सदर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी एक युवक ने सदर कोतवाली में 14 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी 8 वर्षीय पुत्री 1 जनवरी को घर के बाहर खेल रही थी, तभी सरायमीरा चौकी के अंबेडकर नगर सराय मोहल्ला निवासी पंगे पुत्र वृंदावन बेटी को घर के सामने से चुपचाप लेकर चला गया था। घर में बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। पुत्री के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजन व मोहल्लेवासी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसने इस पीड़ित बच्ची के साथ उसके कपड़े उतार कर उसके साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके प्रतिकार के रूप में उसने शोर मचाया था और शोर मचाने पर पास पड़ोस के लोग आ गए थे। पीड़िता को अभियुक्त से बचाया था, अभियुक्त को इस मामले में जेल भेजा गया था और 9 महीने बाद करीब उसको माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी, जिसका दुरुपयोग करने के बाद वो फरार हो गया था और कुछ ही महीने बाद उसके जमींदारों ने उसको पकड़ कर न्यायालय के सुपुर्द किया था, अपनी जमानतें कटा ली थी, तब से जेल में निरुद्ध चल रहा था। आज विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने इसको जेल से तलब कर ट्रायल पूरा होने पर सजा के बिंदु पर सुना है। एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप से धोने पर जज गीता सिंह ने 7 साल की सजा सुनाई, साथ ही 16,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई, जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।